हाय गाइस स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में इस वीडियो में मैं आपको टेबल स्पेसेस के बारे में बताने वाला हूं ये वीडियो सीरीज ऑरिकल डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है और टेबल स्पेस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन वी टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटाबेस टेबल स्पेस जैसा कि नाम से पता पड़ रहा है द स्पेस फॉर टेबल्स टेबल स्पेस इज कलेक्शन ऑफ सेगमेंट्स सेगमेंट क्या होते हैं हमारे जैसे टेबल और इंडेक्सेस या लार्ज ऑब्जेक्ट्स या और भी कई तरह के जो सेगमेंट होते हैं वो टेबल स्पेस में स्टोर होते हैं या जैसे हम लोग बात करें टेबल ऑब्जेक्ट की तो वो एक सेगमेंट कहलाता है और तो टेबल स्पेस हमारे लॉजिकल यूनिट होते हैं डेटाबेस में जो स्टोरेज मैनेजमेंट के यूज में आते हैं तो जैसा कि मैं आपको इस फिगर के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूं यहां पे एक टेबल स्पेस है जिसमें दो डेटा फाइल्स हैं और इन डेटा फाइल में क्या स्टोर है टेबल एंड इंडेक्स सेगमेंट्स राइट यहाँ आप देख सकते हो ऑरिकल स्टोर डेटा लॉजिकली इन टेबल स्पेस एंड फिजिकली इन डेटा फाइल्स लॉजिकली मीन्स आप ऑपरेटिंग सिस्टम में इस टेबल स्पेस को नहीं देख सकते हो लेकिन हाँ ये जो फाइल्स हैं आप इनको ऑपरेटिंग सिस्टम में फिजिकली देख सकते हो ओके okay? तो जब भी आप कोई टेबल स्टोर करते हैं वो जाके एक डेटा फाइल में स्टोर होती है विच इज़ पार्ट ऑफ अ टेबल स्पेस

तो बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में सिस्टम और सिस सिस ऑक्स टेबल स्पेस होते हैं जिसमें डेटा डिक्शनरी स्टोर होती है यानी मेटा डेटा डेटा अबाउट डेटा आप जो भी टेबल स्टोर करते हैं यूजर्स बनाते हैं व्यू सिक्वेंसेज बनाते हैं उन सब की इंफॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है और वो डेटा डिक्शनरी कहाँ स्टोर होती है सिस्टम और सिस ऑक्स टेबल स्पेस में अब किसी भी टेबल स्पेस को आप ऑनलाइन या ऑफलाइन कर सकते हो सपोज uh, आपको कोई टेबल स्पेस आप चाहते हो कि uh, उसका डेटा जो यूजर्स है रीड नहीं कर पाए तो आप उन्हें ऑफलाइन कर सकते हो बाई डिफॉल्ट वो ऑनलाइन होते हैं आप किसी टेबल स्पेस को रीड ऑनली सेट कर सकते हो जिससे उस टेबल स्पेस में एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट्स को यूजर्स रीड तो कर सकते हैं बट उनमें राइट नहीं कर सकते टेबल स्पेसिस पे फ्रीली कोई भी कुछ भी राइट नहीं कर सकता है एडमिन यूजर शुड प्रोवाइड कोटा ऑन स्पेसिफिक टेबल स्पेस टू स्पेसिफिक यूजर यानी अगर आप किसी यूजर को चाहते हो कि वो किसी टेबल स्पेस में अपने ऑब्जेक्ट्स रख पाए तो उसको कोटा देना जरूरी है यानी कोटा मैनेजमेंट होता है ओके okay? अब टेबल स्पेस तीन तरह के होते हैं परमानेंट टेम्परेरी एंड अंडू परमानेंट टेबल स्पेस जिसमें आपके टेबल और इंडेक्सेस सेगमेंट स्टोर होते हैं यानी यूजर का जो डेटा स्टोर होता है वो परमानेंट टेबल स्पेस में होता है टेम्प्रेरी टेबल स्पेसेस में यूजर ऑब्जेक्ट्स स्टोर नहीं होते हैं टेम्प्रेरी टेबल स्पेस का यूज़ जब भी आप क्वेरी करते हो डेटाबेस में जब भी आप सॉर्टिंग करते हो ऑर्डर बाय करते हो इन दैट केस टेम्प्रेरी टेबल स्पेस में डेटा जो है मैनेज होता है जैसे आप क्वेरी एनालाइज करो ग्रुप बाय फंक्शन रन करो तो टेम्प्रेरी टेबल स्पेस में टेम्प्रेरी सेगमेंट्स बनते हैं जो क्वेरी की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं अंडू टेबल स्पेस में जैसा कि अंडू नाम से आपको समझ में आ रहा है जो एक प्रीवियस स्टेप होता है या प्रीवियस स्टेट होती है किसी चीज की उसे अंडू बोलते हैं तो अंडू टेबल स्पेस का यूज़ डेटा के रोल uh, बैक और कमिट जो हमारे क्लॉजेज होते हैं वहाँ पे डेटा किस स्टेट का दिखाना है उस स्टेट के लिए वो अंडू टेबल स्पेस यूज़ होता है इसके लिए अंडू टेबल स्पेस को समझाने के लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में इसको समझाऊँगा फिलहाल आज हमारा फोकस टेबल स्पेसेस पे है जनरली टेबल स्पेस क्या होते हैं टेबल स्पेसेस हमारे डेटाबेस में कितने हैं एक डेटाबेस एक टेबल स्पेस में कितनी डेटा फाइल्स हैं या एक हमारे पास कितने टेम्पररी टेबल स्पेसेस हैं और उन टेम्प्रेरी टेबल स्पेस में कितनी टेम्प्रेरी फ़ाइल्स हैं वो देखने के लिए आपको डिक्शनरी व्यूज़ की हेल्प लेनी पड़ेगी और ये वो डिक्शनरी व्यूज़ हैं जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कमांड्स के थ्रू हम लोग प्रैक्टिकली इसको समझ समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे टेबल स्पेस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे उनका यूज़ किया जाता है तो सबसे पहले तो एक टेबल स्पेस हम देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से टेबल स्पेस हैं तो मैंने आपको डिक्शनरी व्यू बताया डी बी टेबल तो टेबल स्पेस नेम कॉमा कंटेंट कंटेंट में वो आपको बताएगा कि ये परमानेंट टेबल स्पेस है टेम्परेरी है या आपका अंडू टेबल स्पेस है फ्रॉम डी बी एंडो टेबल स्पेसिस कंटेंट्स आई थिंक देश इन द कॉलम नेम तो हमारे पास यहाँ पे सात सेवन टेबल स्पेसिस हैं यहाँ पे एक टेम्परेरी एक अंडू और बाकी परमानेंट टेबल स्पेसिस हैं ये टेबल स्पेस मैंने बनाए हैं और ये प्री क्रिएटेड टेबल स्पेसिस हैं जो डेटाबेस इंस्टॉल करते वक्त बन जाते हैं तो हम क्या करेंगे अब एक नया टेबल स्पेस बनाएंगे क्रिएट टेबल स्पेस टेबल स्पेस नेम आप कुछ भी दे सकते हो सपोज़ मैंने इस टेबल स्पेस का नाम दे दिया टी वी ज़ीरो थ्री डेटा फाइल उसमें हमें रखनी है तो डेटा फाइल का नाम दे दिया डेटा फाइल आप ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे रख सकते हो तो सपोज मैंने अपनी डी ड्राइव में एक फोल्डर बनाया हुआ है डी फाइल्स आप कहीं भी रख सकते हो इसको तो मैंने यहाँ पे इस फाइल का नाम दे दिया 0301.dbf. थ्री जीरो वन डॉट डी बी एफ डी बी एफ इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डेटा बेस फाइल दैट इज़ नॉट मैनेडेटरी बट आप इसे दोगे तो ऑरिकल रिकवरी वगैरह में वो समझ जाएगा ये एक डेटा फाइल है ओके तो साइज हंड्रेड एम या हम इसका साइज थोड़ा छोटा रखते हैं चीज़ों को समझने के लिए इस टेबल स्पेस को हम भरेंगे अभी तो क्रिएट टेबल स्पेस टेबल स्पेस नेम डेटा फाइल डेटा फाइल नेम साइज़ और आप यहाँ ब्लॉक साइज भी दे सकते हो और भी बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं जिसे हम लोग धीमे धीमे समझेंगे बाकी वीडियोस में बट फिलहाल एक जनरल कमांड हमने दिया है टेबल स्पेस क्रिएट करने का क्रिएट टेबल स्पेस टेबल स्पेस नेम डेटा फाइल उसमें एक डेटा फाइल रहेगी आप चाहें तो यहाँ मल्टीपल डेटा फाइल भी ऐड कर सकते हैं बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पर एक डेटा फाइल ही रखेंगे ब्लॉक साइज हमने यहाँ पे क्या दे दिया एट के भी अब ये ब्लॉक साइज क्या है द स्मॉलेस्ट यूनिट टू स्टोर द डेटा इन और डेटाबेस अब ये ब्लॉक साइज मैं आपको आगे बताऊंगा फिलहाल इस टेबल स्पेस को क्रिएट करते हैं तो हमारा टेबल स्पेस क्रिएट हो गया आप डिक्शनरी व्यू से देख सकते हैं हमारे टेबल स्पेस हमारा यहाँ पे बन चुका है राइट अब इस टेबल स्पेस में है कुछ भी नहीं ये खाली टेबल स्पेस है आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में जाके देख सकते हैं कि डी फाइल में ये एक फाइल बन चुकी है टीबीएस जीरो वन जो अभी अभी आपने यहां पे बनाई है राइट तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फिजिकली हमारी डेटा फाइल बन चुकी है जैसा कि मैंने बताया था टेबल स्पेस एक लॉजिकल यूनिट है बट उसके अंदर की डेटा फाइल जो है फिजिकल यूनिट है जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप जाके देख सकते हैं राइट अब हम एक यूजर बनाते हैं क्रिएट यूजर नॉट नेसेसरी आप एक एग्जिस्टिंग यूजर भी यूज कर सकते हो बट मैं एक फ्रेश न्यू यूजर बनाता हूं क्रिएट यूजर यूजर नेम यहाँ पे यूजर नेम ले लिया एलिसन क्रिएट यूजर यूजर नेम आइडेंटिफाइड यानी पासवर्ड पासवर्ड आपको जो भी देना है मैंने इसका पासवर्ड दे दिया एलिसन अब यहां पे ये यूजर जो है Uh, जो ऑब्जेक्ट्स बनाएगा वो कहाँ जाएंगे वो एक टेबल स्पेस में जाएंगे ऑब्वियसली टेबल स्पेस में हमारे ऑब्जेक्ट्स या सेगमेंट स्टोर होते हैं बट वो उसी टेबल स्पेस में ही जाए तो आप क्या करें आप चाहते हो कि कोई स्पेसिफिक टेबल स्पेस में ही इस यूज़र के ऑब्जेक्ट्स आएँ तो आप यहाँ पर क्या बता सकते हो कि इसका जो डिफॉल्ट टेबल स्पेस है वो टी वी हो राइट प्लस इसको हमें कोटा भी देना होगा परमिशन भी देनी होगी तो हमने कहा कोटा फाइव एम बी का ऑन टी एस ज़ीरो थ्री यानी एलिसन यूजर के थ्रू बनाया गया टेबल टी एस जीरो थ्री टेबल स्पेस में जाएगा लेकिन उस टेबल स्पेस में सिर्फ पाँच एम बी का स्पेस यह यूज़र यूज कर सकता है ओके इस कमांड को रन करते हैं तो आप देख सकते हो हमारा एलिसन यूजर बन गया है हमें इसे ग्रांट करना होगा क्रिएट सेशन और क्रिएट टेबल कमांड टू एलिसन यूज़र ताकि ये अपने ऑब्जेक्ट्स बना सके टेबल बना सके ओके okay. तो ये परमिशंस मैं आपको बता सक बता चुका हूँ ये एक सिस्टम प्रिवलेजेस हैं क्रिएट टेबल एंड क्रिएट सेशन तो अब हमें ये देखना है अभी इस वक्त हम लोग सिर्फ यूजर से कनेक्टेड हैं हमें ये देखना है कि एलिसन यूजर को किस टेबल स्पेस पे कितने कितने कोटा अवेलेबल हैं कितना स्पेस वो यूज कर सकता है तो आपके पास एक डिक्शनरी व्यू है डी बी एंड टी एस एंडर्स कोटास राइट इस डिक्शनरी व्यू की मदद से आप देख सकते हो एलिसन यूजर को किस टेबल स्पेस पे कितना कोटा अवेलेबल है राइट right? आप क्या करोगे सिलेक्ट टेबल स्पेस नेम यूजर नेम कॉमा मैक्स बाइट्स, मैक्स बाइट्स यानी मैक्सिमम कितना डेटा वो स्टोर कर सकता है ये बाइट में दिखाएगा हमें एमबी में देखना है डिवाइड बाई वन जीरो टू फोर डिवाइड बाई वन जीरो टू फोर एक्स मैक्स बाइट एलियस दे दिया मैंने हमें क्योंकि ये एम बी में देखना है ये बाइट्स में दिखा रहा है हमने पांच एम बी का कोटा दिया था यूजर क्रिएट करते वक्त फ्रॉम डीबी एंड उसको टी एस उसको कोटास ओके वेयर यूजर नेम इक्वल टू एलिसन राइट मैंने बताया था आपको डिक्शनरी व्यू का जो रिकॉर्ड है वो कैपिटल लेटर्स में होता है तो आप जब भी वेयर क्लॉज में उसे कंपेयर करें कैपिटल लेटर में ही उसे दे सो वी कैन सी हेयर यहाँ पे टेबल स्पेस नेम है टी वी यूजर नेम है एलिसन और जो मैक्स बाइट है दैट इज फाइव एम बी एलिसन कैन यूज इन द टी वी और उन पाँच एम में से कितना वो यूज कर चुका है उसके लिए कॉलम है बाइट्स राइट right? तो बाइट तो अभी जीरो ही है इसको भी 1.024 जीरो टू फोर बाई वन कर लेते हैं एज बाइट्स या एज यूज डेटा राइट तो आप देख सकते हो ज़ीरो यूज्ड डेटा है ना? क्योंकि एलिसन ने अभी ना कुछ डेटा यूज़ किया है और ना कुछ बनाया है ठीक तो हम कनेक्ट करते हैं एलिसन से हमने उसे क्रिएट सेशन का प्रिवलेज दिया है तो वो आसानी से कनेक्ट कर सकता है कनेक्ट करते ही वो टेबल भी बना सकता है तो उसने एक टेबल बनाई क्रिएट टेबल टेबल नेम पेशेंट्स ओके पेशेंट नंबर इंटीरियर प्राइमरी की यहाँ आप नंबर दे सकते हैं डेटा टाइप चाहे एंटी दे सकते हैं पेशेंट नेम मैं इसको प्राइमरी की नहीं दूंगा क्योंकि हमें टेबल स्पेस का कोटा चेक करना है जिसके लिए मुझे इस टेबल को भरना पड़ेगा और उसके लिए मुझे क्वेरी यूज़ करनी है और ये डेटा हमें इंसर्ट करना है अभी इंसर्ट इंडू इंटू पेशेंट्स वैल्यूज वन और नो ओके सेलेक्ट करेंगे पेशेंट से हमारे पास एक रिकॉर्ड ऐड है ओके okay? राइट right? वापस से हम कनेक्ट करते हैं सेस यूजर से और वापस से हम लोग क्वेरी करते हैं उस कोटा की देखते हैं एलिसन ने कुछ डेटा यूज कर लिया दैट इज पॉइंट जीरो सिक्स टू फाइव एम बी ओके okay, इस टेबल स्पेस में उसने इतना डेटा यूज कर लिया वापस एलिसन से कनेक्ट करते हैं ओके okay, और दोबारा से इंसर्ट करते हैं किस टेबल में पेशेंट्स में और वैल्यू कहाँ से आएंगी दोबारा पेशेंट से इससे क्या होगा पेशेंट टेबल में जितने रिकॉर्ड होंगे वापस से वो पेशेंट में इंसर्ट हो जाएंगे एक रिकॉर्ड था फिर से एक रिकॉर्ड ऐड किया अब दो थे तो दो रो हो गई तो ये रिकॉर्ड हम ऐड करते चले जाते हैं हमें क्या करना है इसकी कोटा का लिमिट चेक करना है आप देख सकते हो सिर्फ यूज़र से हमें कनेक्ट करना होगा उस डिक्शनरी व्यू को देखने के लिए ओके okay, तो यहाँ पे आप देखो कि वो अभी भी डेटा काफ़ी कम यूज़ हुआ है कम ब्लॉक्स यूज हुए हैं तो हम वापस से कलेक्ट कनेक्ट कर लेते हैं एलिसन से ओके okay. और इंसर्ट करते हैं दोबारा पेशेंट टेबल में और कुछ ज़्यादा डेटा डालते हैं राइट ओके तो कोटा एक्सीड हो चुका है है ना वो काफ़ी सारा डेटा यूज कर चुका है हम देख सकते हैं ओके देखते हैं तो पाँच एम जो है यूज हो चुका है डेटा यानी उसकी कोटा लिमिट खत्म हो गई तो आप यहाँ पे देख पाए कि टेबल स्पेस हमारा एक यूनिट होता है लॉजिकल यूनिट होता है जिसमें डेटा फाइल होती हैं और इस लॉजिकल यूनिट पे हम लोग यूजर्स कोटा प्रोवाइड करते हैं और उस कोटा का जो एक लिमिट होता है जो लिमिट उसी लिमिट तक जो है यूजर डेटा उसमें स्टोर कर सकता है अब अगर आपको ये देखनी है कि हमारे पास कितनी फाइल है किसी पर्टिकुलर टेबल स्पेस में तो डी बी को टेबल स्पेसिस इज द डिक्शनरी व्यू वेयर टेबल स्पेस नेम इक्वल टू ऑबियसली अभी हमने जो बनाया टीबीएस जीरो थ्री राइट ओके तो फाइल नेम नहीं होगा एक मिनट यहाँ पे क्या करते हैं ओके डिक्शनरी व्यू नेम इज डीबीए एंडर्सको डेटा एंडसको फाइल्स राइट तो उसका एक बार डिस्क्राइब कर लेते हैं उसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं तो फाइल नेम टेबल स्पेस नेम फ्रॉम डी बी एंड उसको टेबल डेटा एंड उसको फाइल्स वेयर टेबल स्पेस नेम इक्वल टू टीबीएस जीरो थ्री राइट हाँ तो हमारे पास इस वक्त क्या है एक डेटा फाइल है राइट right? और हमने जो है एक यूजर बनाया था एलिसन और उस यूजर को जो है इस टेबल स्पेस पे कोटा दिया उसने टेबल बनाई इस टेबल स्पेस में और पाँच एम का कोटा उसका फुल हो गया और अब हम क्या करेंगे हमारी इस फाइल का जो साइज था विच वॉज टेन एम तो हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे ऑल्टर करेंगे अल्टर यूजर एलिसन कोटा मैंने उसे 100 या 20 एम का कोटा दे दिया ऑन टी एस जीरो थ्री राइट तो एलिसन का जो डिफ़ॉल्ट टेबल स्पेस है वो टी वी एस ज़ीरो थ्री है जो अभी अभी हमने बनाया था और उसका कोटा पाँच एम बी से बढ़ा के हमने बीस एम बी कर दिया तो अब वापस से वो उस पेशेंट टेबल में डेटा स्टोर कर सकता है बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है जो डेटा फाइल है उसका साइज़ ख़ुद दस एम बी है तो वो बीस एम बी डेटा कैसे स्टोर करेगा चलिए चेक करते हैं कनेक्ट किया एलिसन से हमने इंसर्ट किया पेशेंट टेबल में डेटा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट अब हम क्या कर रहे हैं वापस से ये रिकॉर्ड जो है क्वेरी रन करते हैं तो जो कोटा का एरर आ रहा था वो नहीं आएगा क्योंकि हमने कोटा बढ़ा के बीस एम कर दिया राइट right? दोबारा से क्वेरी रन करते हैं बट आप देखोगे कि टेबल स्पेस का जो है वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा अनेबल टू एक्सटेंड वाई क्योंकि वो जो डेटा फाइल थी वो दस एम की थी In that case, what we can do, we can add another data file, right? हमारा user हम लोग सिज से connect कर सकते हैं क्योंकि alter टेबल स्पेस का privilege उसके पास है alter टेबल स्पेस टी बी एस ज़ीरो थ्री कहाँ पे add करनी है हमें हमारे पास डी ड्राइव में एक फोल्डर है डी फाइल्स हमने क्या किया जीरो थ्री जीरो टू डॉट डी बी एफ एक फाइल ऐड कर दी उसका साइज दे दिया फिफ्टी एम बी और ये डेटा फाइल जो है ऐड हो गई अब आप चेक कर सकते हो क्या ये डेटा फाइल यहाँ पे आ गई है तो आप देख सकते हो येस दैट डेटा फाइल एग्जिस्ट आप फॉर्मेट सेट कर सकते हो ताकि ये थोड़ा सा ठीक है ए सिक्सटी और वापस क्वेरी रन करते हैं सेट कर लेते हैं लाइन साइज वन ट्वेंटी और क्वेरी रन करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे दो फाइलें यहाँ पे आ चुकी हैं पहली फाइल का साइज़ दस एम बी था दूसरी फाइल का साइज फिफ्टी एम बी है और एलिसन यूज़र अब अपने टेबल में डेटा स्टोर करेगा तो उसका आधा डेटा एक डेटा फाइल में है और आधा डेटा दूसरी डेटा फाइल में चला जाएगा ठीक है जिसे हम लोग एक्सटेंट मैनेजमेंट बोलते हैं एक्सटेंट के फॉर्म में डेटा स्टोर होता है तो मैं आपको एक्सटेंट मैनेजमेंट वाले वीडियो में बहुत डीपली एक्सप्लेन करूँगा कि कैसे एक्सटेंट अलॉट होते हैं किसी सेगमेंट को किसी टेबल को तो अब वापस से एलिसन से कनेक्ट करते हैं और वापस से इंसर्ट करते हैं पेशेंट टेबल में डेटा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट्स राइट तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी रोस हैं और जो एरर आ रही थी कि टेबल स्पेस में वो एक्सटेंड नहीं कर पा रहा अनेबल टू एक्सटेंड राइट दीज आर द नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब ये एक्सटेंड नहीं कर पा रहा है तो एक्सटेंड कैसे करेंगे डेटा फाइल ऐड करके हमने एक्सटेंड कर लिया उसका जो टेबल स्पेस का साइज़ है वो बड़ा कर लिया अब वापस से हम रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं और वापस आप देख सकते हैं एलिसन यूजर का कोटा एक्सीड हो गया तो वापस हम इसके कोटा को अपडेट कर सकते हैं तो आप यहाँ समझ पा रहे होंगे कि कोटा और टेबल स्पेस के साइज़ को मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ अब टेबल स्पेस को आप ऑफलाइन भी कर सकते हो ऑफलाइन करने से क्या होगा जैसे अगर आप टेबल स्पेस टी वी एस थ्री को ऑफलाइन कर लो है ना ऑल्टर टेबल स्पेस टेबल स्पेस नेम ऑफलाइन ऑफलाइन करने से क्या होगा उस टेबल स्पेस में एग्जिस्ट ऑब्जेक्ट को यूजर एक्सेस नहीं कर पाएगा यानी एलिसन यूजर का पेशेंट टेबल आप एक्सेस नहीं कर पाओगे राइट क्योंकि वो डेटा फाइल ही ऑफलाइन है वो रीड करने की कोशिश कर रहा है और वो बोल रहा है वो तो टेबल स्पेस ऑफलाइन है और जैसे ही हम उसे वापस ऑफलाइन ऑनलाइन करेंगे है ना वापस हम जैसे ही उसे ऑनलाइन करेंगे अभी हमने ऑफलाइन किया था तो इसे वापस ऑनलाइन कर देते हैं और वापस एलिसन यूजर से कनेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करते हैं ऑल फ्रॉम पेशेंट्स क्योंकि इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं तो मैं फेच करता हूँ फर्स्ट थ्री रोज ओनली वरना वो बहुत सारा डेटा है और वो रिकॉर्ड फेच करने लगेगा राइट तो आप चाहे तो काउंट करके भी देख सकते हो सारे रिकॉर्ड यहाँ पे हैं आप टेबल को जो है रीड कर पा रहे हो अगर हमारा टेबल स्पेस ऑफलाइन है सो यू कैन नॉट रीड दैट डेटा फाइल राइट आप चाहो तो इसे रीड ओनली भी कर सकते हो ओके आप अभी इंसर्ट करके देखो एलिसन यूजर से डेटा पेशेंट टेबल में तो वो ऐड कर सकता है राइट क्यों क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है, हम लाखों रिकॉर्ड ऐड नहीं कर रहे हैं कि उसका कोटा एक्सीड होगा या फाइल का साइज नहीं है तो एक रिकॉर्ड आसानी से वो ऐड कर सकता है तो अगर सिस्टम यूज़र उसे रीड ऑनली कर देता है ऑल्टर टेबल स्पेस टेबल स्पेस नेम रीड ऑनली रीड ओनली से क्या होगा एलिसन यूजर रीड तो कर पाएगा डेटा बट उसमें कुछ राइट नहीं कर पाएगा है ना सेलेक्ट ऑल फ्रॉम पेशेंट्स फैच फर्स्ट थ्री रोज ओनली और फोर रोज ओनली जो भी आपको देखना है हम तीन रोज क्यों देख रहे हैं वरना बहुत सारा डेटा है वो रिकॉर्ड क्वेरी रन होती रहेगी इसीलिए इनिशियल थ्री रिकॉर्ड्स देखे हमने बट अगर वो ये चाहे इंसर्ट इनटू पेशेंट्स वैल्यूज फोर ए बी सी तो वो एक रीड ओनली फाइल है वो उसमें डेटा राइट नहीं कर सकता आपको पता है जो टी 0301 एस ज़ीरो थ्री जीरो वन है वो भर चुकी है अब नेक्स्ट जो ब्लॉक है वो टी 0302 एस जीरो थ्री जीरो टू में बन रहा है तो वो टेबल स्पेस ही रीड ओनली है तो आप उसमें कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं है ना तो ये हमारा जो है टेबल स्पेस में रीड ओनली और जो है ऑफलाइन या ऑनलाइन करने का जो हमारा ये फीचर होता है इसमें हम लोग इस, इसको हम लोग बैकअप और रिकवरी के वक्त यूज़ कर सकते हैं जैसे कई बार होता है कि अगर कोई डेटा फाइल करप्ट हो जाती है तो उस टेबल स्पेस को ऑफलाइन करके डेटाबेस को अप कर लिया जाता है और उसके डेटा फाइल को रिकवर करके वापस से डेटाबेस री करके डेटा रिकवर कर लिया जाता है तो ये मैं आपको बैकअप और रिकवरी में समझाऊंगा फिलहाल हमें ये समझना है कि किसी भी टेबल स्पेस को ऑफलाइन ऑनलाइन किया जा सकता है ठीक है तो इस वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि किसी भी टेबल स्पेस को बना के हम किसी यूज़र को कोटा दे के उस टेबल स्पेस में टेबल या कई और सेगमेंट्स क्रिएट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और टेबल स्पेसिस के बारे में और आगे बताऊँगा क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है एक वीडियो में कवर नहीं हो सकता है Thanks for watching.